दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो ही आपको वीडियो देखने का फ़ायदा मिलेगा और आप वीडियो में कही गई बात को अच्छे से सुन और समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे जहाँ रहता हो, हर एक का एक ही सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में जो भी करे उसमें इतनी कामयाबी हासिल करे, इतना कामयाब हो जाए कि कम से कम देश का नहीं, राज्य का नहीं, तो अपने गांव का सबसे अच्छा बड़ा और कामयाब इंसान बन सके। और जहाँ तक हो सकता है कि हम सभी अपने सामर्थ्य भर कोशिशें करते रहते हैं, जितना ज़्यादा हमसे मेहनत करना संभव हो सकता है हम करते हैं। और कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। और इस वीडियो में बात उनकी होगी जो कामयाब नहीं हो पाते। आइए, ऐसे लोगों के विचारों से हम और आप रूबरू होते हैं। दोस्तों, कामयाब होना होने का एक ही कारण होता है जिसकी बदौलत लोग कामयाब हो जाते हैं, मगर नाकामयाब होने के कई कारण होते हैं जिनकी वजह से कामयाबी नहीं मिल पाती। दोस्तों, जो लोग जीवन में दूसरों के भरोसे, दूसरों के राय के भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाह कर भी कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रीजन जान लीजिए। दोस्तों, अगर जीवन में आपने अगर अपना कोई भी लक्ष्य बनाया है, अपनी कोई मंजिल तय की है, जहाँ तक आपको जाना है, तो दूसरों के भरोसे रहना छोड़ दो। दूसरों पर आसानी से भरोसा मत करो। जहाँ तक हो सके और जितना हो सके अपने आप पर भरोसा करो, क्योंकि कोई आपका कब तक शुभचिंतक बनकर रहेगा, कोई भरोसा नहीं। और अक्सर धोखे भरोसा जीतने के बाद ही किए जाते हैं। और दुनिया की रीत है, एक इंसान दूसरे इंसान की तरक्की देखकर जलता है, भले ही वो सामने वाले के साथ मीठा व्यवहार करे, अच्छे अच्छे सुझाव दे, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो जीवन भर आपका शुभचिंतक ही बना रहेगा। अगर आप उसके दिए गए सलाह पर आंखें बंद करके विश्वास करेंगे, तो सामने वाला आपके इसी बात का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ खींचता चला जाएगा और आपको कभी भी पता भी नहीं लगेगा कि आपका शुभचिंतक आपका कब से सत्यानाश करने में लगा हुआ है। अक्सर लोग सामने वाले को तकलीफ तभी तक सही सलाह देते हैं अक्सर लोग सामने वाले को तभी तक सही सलाह देते हैं जब तक सामने वाला उनके लेवल में या लेवल से नीचे रहता है। और जिस दिन सामने वाला उनके लेवल में आ जाता है या उनके लेवल से ऊपर उठने लगता है, उसी समय से प्रेम ईर्ष्या में बदलने लगती है, भरोसा छल और विश्वासघात का रूप लेने लगता है। और कहीं आप एक छोटे स्तर से उठकर बड़े स्तर तक उठने का प्रयास कर रहे हैं
और कहीं आप एक छोटे स्तर से उठकर बड़े स्तर पर उठने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बड़ा या कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में भी आपके बीच कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो आपको कभी भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। तो ऐसे लोग आपसे मीठा व्यवहार तो करेंगे, मगर आपको राय इस तरह से देंगे कि लगेगा आपको कि ये आपके सबसे करीबी और आपके सबसे बड़े शुभचिंतक और भरोसेमंद हैं, मगर असल में वो आपको पीछे खींच रहे होते हैं। इसलिए आपको अगर किसी की सलाह माननी है तो अपने मन की मानो, अगर किसी पर विश्वास करना है तो खुद पर करो। अगर जीवन में कभी किसी की सहायता की ज़रूरत पड़े तो खुद की सहायता खुद से करो। खुद को इतना मजबूत और सक्षम बना के रखो कि अपना फ़ायदा नुकसान और तरक्की के बारे में खुद सोच सको और सही कदम उठा सको और सही निर्णय ले सको और सही तरीके से तरक्की कर सको, जीवन में आगे बढ़ सको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और मैं आपको अच्छे से अपनी बात को समझा पाया हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आज से आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप अब से दूसरे के भरोसे न रहकर खुद पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और संतुष्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल हमारी दुनिया पर पहली बार आए हैं और ये आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया पर पहला विजिट है तो प्लीज़ आप भी और भाइयों की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना अमूल्य और महत्वपूर्ण योगदान देने की कृपा करें। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें और अगर किसी भाई को फिल्म संबंधी जानकारी चाहिए, जैसे सिंगिंग, राइटिंग और एक्टिंग से रिलेटेड, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर कोई ग्रुप जो कॉमेडी वीडियोस या शॉर्ट फिल्म बनाने का इच्छुक हो और उन्हें राइटर चाहिए जो उनके लिए कंटेंट, स्टोरी और स्क्रिप्ट लिख सके, तो ऐसे भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने मेरे कुछ खास वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर भी हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपके प्रेम और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है, हमारा यूट्यूब परिवार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट दिया और आगे भी इसी तरह से प्रेम और सपोर्ट देते रहेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा और कामना करता हूँ। और चलते चलते मैं मेरे नए दर्शक भाइयों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग देने की कृपा करें।
तो दोस्तों, चलते चलते आपको एक बार फिर से साजन का प्रेम भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।